नीम का थाना जिले के उदयपुर वाटी में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई जारी। उदयपुर वाटी कस्बे में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश बुबेस के नेतृत्व में मेडिकल टीम की ओर से 3 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई, जहां जयपुर रोड पर स्थित निजी अस्पताल सनशाइन अस्पताल में जांच पड़ताल की गई, जहां सभी व्यवस्था सही पाई गई। वहीं एक्सरे मशीन व लैब में रेड लिस्ट चस्पा करने व डॉक्टर कक्ष पर डॉक्टर का नाम चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं झुंझुनू रोड पर स्थित नई सब्जी मंडी में नवजीवन अस्पताल की जांच की गई, जिसमें मौके पर कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। वहीं अस्पताल में देखने वाले डॉक्टरों की समय सारणी नहीं मिली। फिजियोथेरेपी करने वाले अपने आप को डॉक्टर लगाकर मरीजों को देख रहे हैं। वहीं अस्पताल के नियमानुसार मापदंड पूरे नहीं हो रहे। बायोबेस्ट के लिए अलग अलग किट नहीं पाए गए, साथ ही बायोबेस्ट के लिए डिस्पोज करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिली। जहां पर फायर एनओसी की बात की गई तो फायर एनओसी भी नहीं मिल पाई। अस्पताल में मरीजों के लिए ब्लड सैंपलिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं मरीजों के ब्लड सैंपलिंग के लिए दूसरी जगह बाहर भेजा जा रहा है। BCMO डॉक्टर मुकेश भूपेश ने 7 दिन में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन करवाने व अन्यथा सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पास ही में संजीवनी अस्पताल में भी जांच पड़ताल करने के लिए टीम मौके पर पहुंची, तो उससे पहले ही डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिले। वहीं अस्पताल में कर्मचारी कोई नहीं मिला। इसके बाद मौके पर फरार हुए अस्पताल के अंदर जाकर देखा गया तो मौके पर डिलीवरी करवाने के उपकरण व लैब मेडिसिन मिली। वहीं अस्पताल के मापदंड पूरे नहीं मिलने पर डॉक्टर से दूरभाष पर बात जानकारी चाहिए तो डॉक्टर के बाहर होना बताया है। वहीं मेडिकल टीम अधिकारी ने अस्पताल में कागजात पेश कर रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए, जहां अधिकारी ने हिदायत देते हुए कहा कि अगर 7 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो अस्पताल को सीज कर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अस्पताल में संजीवनी अस्पताल में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अस्पताल में डॉक्टर बैठने का बोर्ड लगा रखा है, जहां एक भी डॉक्टर मौके पर नहीं मिला। वहीं BCMO डॉक्टर मुकेश भूपेश ने बताया कि मौके पर डॉक्टर व कोई कर्मचारी नहीं मिला। वहीं अस्पताल उदयपुर कस्बे में पिछले 5 दिन से चल रही जांच पड़ताल के संदर्भ में निर्देश देते हुए कागजात पेश करने गई तो उन्होंने बताया करवाने की स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। जांच पड़ताल की जा रही है, जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वहीं अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहीं कई जगह लैब खोल रखे हैं जहां मापदंड पूरे नहीं हो रहे हैं। वहीं सोनोग्राफी सेंटरों पर भी किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहीं अस्पतालों में देखने वाले मरीजों का कोई रिकॉर्ड अस्पतालों में नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते डॉक्टर ने बताया कि इस तरह की अस्पतालों पर कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही है, जिस पर हिदायत देते हुए जल्द से जल्द इनको रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो उनके खिलाफ सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। कस्बे में आज इन्फेक्शन किया गया, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको फॉलो करवाने के लिए जो निजी जो अस्पताल हैं उनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो हमने शुरू में आज ही सनशाइन हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया, वहाँ पे लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध मिली हमें और कोई थोड़ी बहुत जो कमियां मिली थी वो हम उनको निर्देश देके आए, वो 1-2 दिन में वो पूरी कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये सब्जी मंडी के पास में एक नवजीवन हॉस्पिटल है, इसमें हम गए, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर है जो कोई एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल है, ऐसा कोई डॉक्टर वहाँ पर नहीं था। जो डॉक्टर अपने आप को जो बता रहे थे वो कोई फिजियोथेरेपी, DMLT और कोई नेचुरोपैथी, इस तरह की 3-4 पर और एक फार्मासिस्ट, ऐसे 4-5 तरह के कोर्स उन्होंने खुद ने कर रखे थे। और मौके पर देखे थे कि कुछ पेशेंट्स थे उनके ड्रिप वगैरह लगा रखी थी, उनको हमने हिदायत दी है अभी कि 7 दिन में, और उन्होंने बोला कि किसी दूसरा जो MS डॉक्टर है कोई वो उनके पेशेंट देखते हैं, वो वहाँ पे मौके पे थे नहीं। तो हमने उनको हिदायत दी है कि 7 दिन के अंदर आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाएँ अपना, और जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनको आप प्रमाइंड यहाँ बिठाएँ, और तब उनके नाम से अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो हॉस्पिटल को रनिंग करेंगे, अदरवाइज हॉस्पिटल को सीज किया जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे हॉस्पिटल जिसके सामने भी खड़े हैं या आए हैं, तो यहाँ पे मौके पे कोई भी नहीं मिला। अंदर जाकर के देखा तो यहाँ पे दवाइयाँ भी रखी हुई हैं, बेड का सामान भी रखा हुआ है, भी रखी हुई है, डॉक्टर्स के चैम्बर्स भी बनाए हुए हैं, बट यहाँ पे कोई जवाब देने वाला कोई है नहीं। इसको देख करके ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल तो कुछ चल रहा है, बट यहाँ पे किससे पूछें
इनको अभी लास्ट हिदायत दी कि फॉर्म किसी से नंबर लेकर के कॉल करवाया है, तो ये कल मिलने की बात करें, तो कल जब ये आएंगे मिलेंगे तो इनसे क्या इनके पास में डॉक्यूमेंट है, किस भी हाथ पे क्लिनिक चला रहे हैं, वो सारी डिटेल इनसे ली जाएगी। इस तरह का समय है वो निर्धारित कर रखा है, लेकिन यहाँ मौके पर कोई नहीं मिला। हाँ, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी हॉस्पिटल की कंडीशन को देख करके ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल रनिंग में है, सारे साइनेज लगे हुए हैं, सब सारी चीज़ें व्यवस्थित मिली हैं यहाँ पे, लेकिन मौके पे लगभग हमको आधा घंटे के आसपास यहाँ हो गया, लेकिन मौके पे भी हमें कोई यहाँ ना जवाब देने वाला मिला और कुछ नहीं। तब किसी से नंबर लेकर के बात की तो उन्होंने मतलब कि सुबह मिलने की बात बोली है। उस सुबह जो आते हैं वो ऑफिस में उनसे बात पूछते हैं उनसे, और जो भी उनके पास में जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो मंगवाते हैं, और उनको भी पाबंद करेंगे कि भाई आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। नहीं, बिल्कुल मापदंड तो पूरे नहीं हो रहे, नॉर्म्स तो नहीं हो रहे, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट का भी नहीं हो रहा यहाँ पे, और बाकी चीज़ें तो देखो ऐसा है कि जैसे फायर की एनओसी उन्होंने ले रखी है नहीं रखी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है नहीं रखा, वो सारे डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे कोई मौजूद होगा तो वो बता पाएगा। खुद डॉक्टर है या नहीं है, कई बार इनको लेकर मुद्दा उठता है कि डॉक्टर नहीं है, ये भी फिजियोथेरेपी है, इस तरह की डिग्री है इनके पास, डॉक्टर की डिग्री नहीं है। इसके लिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मौके पर कोई है नहीं, उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट पेश किया नहीं, अब वो खुद के पास में उनकी क्या डिग्री है, किस डिग्री के बिहाफ पे वो पेशेंट देख रहे हैं, कौन यहाँ पेशेंट देख रहा है, क्योंकि एक गायनिक के डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है और एक फिजिशियन के डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ नाम ही है या फिर ये आते भी हैं यहाँ पे, ये चीज़ें तो वो इस हॉस्पिटल को जो संचालित कर रहा है वो ही क्लियर कर पाएंगे।